हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डिजिटल टोकन को बाय करना है। तो सबसे पहले आपको अगर टोकन को बाय करना है, डिजिटल टोकन को बाय करना है, तो आपके पास एक ट्रस्ट वॉल्ट होना ज़रूरी है। तो आप ये वॉल्ट अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद अपना उसमें अकाउंट बना सकते हो। उसके बाद आपको, अगर आपने टोकन को बाय करना है, तो जो डिजिटल टोकन है उसका पेयर अपना बीएनबी के साथ है, तो आपके पास बीएनबी स्मार्ट चेन में आपके पास बीएनबी होने ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप बीएनबी परचेज कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको जो नीचे चार सिंबल दिए हैं, जो सेकंड नंबर है डीएफ्स, आपको डीएफ्स में जाना है। उसके बाद आपको सर्च बार में पू क्वाइन सर्च करना है। यहाँ पे आपको ऊपर ERC20 एथेरियम का एड्रेस दिया है, सिंबल दिया है, तो इस सिंबल को आपको चेंज करना है। तो आप यहाँ पे स्मार्ट चेन का सिंबल सेलेक्ट करो, सॉरी, ये स्मार्ट चेन का सिंबल है। उसके बाद आपको पू कॉइन में एंटर करना है। फिर आपको जो एंटर टोकन नेम है और एड्रेस है, दोनों में से एक पेस्ट करना है। जैसे मैंने इसका डीजीटी लिखा, मैंने ऑलरेडी इसको सर्च करा था, तो इसका एड्रेस और नेम दोनों आ गया। अभी जो इसकी प्राइस चल रही है, लगभग $1.5 के पास चल रही है। अगर आपको ये बाय करना है, तो आपको जो यहाँ पे तीन आइकन दिए हैं, एक ट्रेड का है, एक वॉलेट का है और एक बार का है, तो उसमें आपको जो सेंटर में दिया है ट्रेड का, इसमें एंटर करना है आपको। उसके बाद आपको स्लिपेज को ऑटो में ही रखना है आपको। फिर अगर आपको इसको बाय करना है, तो ऊपर आपको आपको जितने डॉलर के बीएनबी आपने देने हैं और डीजीटी आपको आपने बाय करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने बाय करना है, तो आपको ऊपर बीएनबी रखने हैं और नीचे डीजीटी, और अगर आपको सेल करने हैं तो उल्टा है इसके। अगर आपने सेल करने हैं, तो आपको ऊपर डीजीटी रखने हैं और नीचे बीएनबी। ओके, तो फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा। तो इतना सा वीडियो था, थैंक यू।